भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब प्रतिश पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। रमा, क्या हुआ तुम्हें? उठो रमा। भीम दीजिए। रमा उठो, बैठ जा, उठो आराम से। लो भीमराव, देख लो, अरे इतनी भीषण गर्मी में तुमने अपनी पत्नी से अखबार बिकवाया, बीमार पड़ गई ना। ऊपर से समस्या ये है कि ना खाना खाएगी ना पानी पिएगी, क्योंकि इसको पहले पढ़ने वाला विद्यार्थी चाहिए। तो जाओ ढूंढो इसके लिए विद्यार्थी, कहीं ऐसा ना हो कि विद्यार्थी का इंतजार करते करते तुम्हारी पत्नी रमा भाई मर जाए। हमारी बात सुनो रमा, कुछ खा लो। हाँ रमा भाई, खा लो खा लो, खाना खा लो। कोई पढ़ने आएगा ऐसी अपेक्षा करोगी ना तो भूखी मरोगी। और तुम सबके लिए समझने वाली बात यही है कि शिक्षा पाने या देने की बात करने वाला व्यक्ति हमेशा ऐसे ही भूखे मरता है। रमा कुछ खा लो बेटी। हाँ रमा कुछ खा लो। नहीं बाबा, अभी ये मेघनाथ जी कहकर गया ना कि शिक्षा पाने वाला और देने वाला हमेशा भूखा मरेगा, इसी बात को मुझे गलत साबित करना है। रमा, मैं झूठ नहीं कहूंगा, लेकिन सब कुछ सही करने के ख्वाब के उमंग पर तुम्हारी ये बेबसी भारी पड़ जाएगी और मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता, इसलिए कुछ खा लो। हमें बढ़िया नौटंकी है, है? पहले नाटक फांदो कि नहीं नहीं हम ना खाबे हम ना खाबे, और फिर भीम कहना शुरू कर देगा कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, है? तब खाना खाए लेओ, तो फिर खाना भी अच्छे से गटक लेओ और फिर फांदे रहो नाटक पे नाटक। जोखू भाव, ये नाटक आप पहली बार देख रहे हैं, मैं तो सालों से यही नाटक देखती आई हूँ। तो फिर जीजा भाई कसम खा कर बोलो कि जिस तरह से ये दोनों पति पत्नी बात कर रहे हैं, ऐसे कभी तुम्हारा मन नहीं हुआ कि तुम्हारा पति भी तुमसे ऐसे ही बात करे? मैं तो कहती हूँ, मेरा दिल तो किया कि मेरा पति भी मुझे ऐसे ही बोले और कहे
तुम्हारी बेबसी सब पर भारी, मगर मेरा पति तो अजीब निकला। उसके दिमाग में तो इतना लालच भरा रहा कि प्यार के लिए कोई जगह ही नहीं बची। हो गया तेरा? तो सुन, ये मेरा पति भी अजीब ही है। जीजा भाई, तेरा पति अजीब नहीं है, तू अजीब है। बस उन दोनों की बातें हैं, उन्हें पर रहता है। रमा, तुम भीम की बातों को मानती हो, समझती हो, तो ये बात भी मान जाओ ना, भीम की भावनाओं को समझो। थोड़ा खा लो बेटी, खा लो। हाँ रमा, कुछ खा पी लो। तुम दोनों ये खाना ना खाने की जिद छोड़ दो और शमला तुम्हें भी खाना खा लेना चाहिए, फिर लड़ेंगे लड़ाई। जैसे आपको मेरी बेबसी बर्दाश्त नहीं होती है, ऐसे आपका हर एक संकल्प जो अपने जीवन का मकसद लगने लगता है, और मकसद को पूरा करने के लिए आदमी अगर जान भी दे दे तो कम है। हम तो बस भूखे ही रह रहे हैं। और फिर भीम बाऊ, हम औरतें इस तरह से अधिक सोचती है कि ऐसा करेंगे तो शायद ऐसा हो जाए, पर ये तो बस एक तरीका है कि किसी तरह आप जो चाहे और ये चाहे वो हो जाए, और कुछ नहीं। अगर मेरे हाथों में होता, उसमें इतनी ताकत होती, वो आपका हर एक ख्वाब मैं लोगों के मुकद्दर में लिख देती, लेकिन ना ही मेरे हाथों में है और ना ही मुझमें उतनी ताकत है। लेकिन हाँ, मुझमें भूखे प्यासे रहने की ताकत है। मुझे रहने दीजिए भूखे प्यासे। भीम बेटा, अगर तू चाहता है कि श्यामला और रमा खाना खाए, तो जाकर ढूंढ कर आ उन लोगों को जो पढ़ने के लिए तैयार हो। कहाँ ढूंढेगा और मिलेंगे कहाँ? और रमा, काम पर नहीं जाएगी क्या? करुणा, शातिर बीवियों की यही तो खासियत होती है कि वो खुद को महान बनाने की पूरी कोशिश करे और उसकी सजा दूसरों को मिले। खाना नहीं खाएगी ये, काम छोड़कर चैन से घर पर आराम करेगी ये, और वहां काम करेगा बिचारा भीम, मारे मारे भटक रहा होगा धूप में उस आदमी को ढूंढने के लिए जिसे वो पढ़ा सके।
देखिए मुझे, काम पर जाने के लिए झोला सही कर रही थी। यहाँ देखिए, बोलने की आदत जाएगी नहीं आप दोनों की। अच्छा, फिर चल काम पर। वहाँ आज तुझ पर विशेष ध्यान रखूंगी। ये तू काम कर रही है या बस समय बर्बाद कर रही है? क्यों, वहाँ क्यों? यही देख लीजिए ना, और अच्छे से देख लीजिए। कुछ दिखा? दिखा ना, तेरी बदतमीजी। बदतमीजी नहीं आई। अब अगर देखिएगा तो आपके सामने एक रमा के अंदर कई सारे भूमिका निभाने वाले चरित्र खड़े। खाना पीना छोड़ना एक पत्नी की भूमिका थी, और कारखाने में जाकर काम करूंगी तो वहाँ एक कर्मचारी की भूमिका होगी, और व्यक्ति वही अच्छा जो हर भूमिका अच्छे से निभाए। और दीदी आई, मुझे अच्छा व्यक्ति तो बनना ही है और बने रहना है। काका, शिक्षित होना एक वरदान है। शिशुपाल जी, आप कल भी आए थे समझाने के लिए, और ऐसे रोज रोज मत आए कीजिए। और वरदान है तो वरदान अपने पास रखिए, जाइए यहाँ से। अरे लेकिन काका, आप एक बार सोचिए ना कि पढ़े लिखे लोग। क्या पढ़े लिखे लोग हैं? क्या पढ़े लिखे लोग? पढ़े लिखे लोग के आसमान में चलते हैं। फालतू की बकवास मत क्या कर। अरे नहीं पढ़ना ही नहीं, जबरदस्ती पढ़ लो, पढ़ लो। ओ भाई साहब, दोबारा ये आए ना और पढ़ने पढ़ाने की बात करे तो डंडे से मार के भगाइएगा इसे। समझ लिए ना, जाइए यहां से अभी। ये डंडा उठाकर चाहे तो चार डंडा मार लो भीमराव, लेकिन पढ़ने के लिए ना कहो, पढ़ाई वढ़ाई अब क्या करें। बाबा, एक बार आपके लोगों से, एक बार अधिकारी के लोगों से चोट खा चुके हैं, और चोट खिलवाना चाहते हैं तो खिलवाई लीजिए। लेकिन बाबा, संसार की सारी लाठियां मिलकर जोर लगा लेना तो भी रास्ते निकल आते हैं। और संघर्षों की सबसे अच्छी बात यह होती है कि उसका अंत ऐच्छिक परिणाम देता है। और विश्वास है कि परिणाम मिल जाएगा, मुझे भी यहां और भीमराव को भी वहां, जहां वो ढूंढ रहा है। दो दिन की मोहलत और दे दो साहब, किस दे देंगे। अरे ओ, जब लौटाने की औकात नहीं थी तो लिए क्यों पैसे? साहब, लेते समय आपने कहा था कि 1% पे पैसे दे रहे हैं, और बाद में जब कहती हूँ तो आप कागज दिखा देते हैं और कहते हैं कि 2% पे है। इतना महंगा पैसा है साहब, सूद भरते भरते थक गई हूँ। अरे ओ,
कब मैंने बोला और तूने सुन लिया? हाँ कुछ भी, रुक रुक दिखाता हूं तुझे, लिखा है सब इसमें, देख 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 क्या लिखा है इसमें, एक टका लिखा है कि दो टका लिखा है, देख। बता पढ़ के क्या लिखा है इसमें? पढ़ना आता है क्या साहब? जो बता दूं अभी कितना लिखा है और उस समय कितना लिखा गया था। काकी, तभी तो मैं आप सबसे कह रहा हूं पढ़ना जरूरी है, और मैं जानता हूं कि मेरे बाबा सबसे कहते कुछ है और वकील रखकर कागज कुछ और का बनाते हैं, और आप जैसे लोग जो पढ़े लिखे नहीं है वो समझ ही नहीं पाते और फिर फंस जाते, इसीलिए मैं कहता हूं कि पढ़ना जरूरी है, और यही समझाने के लिए मैं भटक रहा हूं। उधर भीमराव भटक रहा है इस उम्मीद में कि आपके जैसे लोग मिले जिन्हें हम समझा सके कि शिक्षा क्यों आवश्यक है। भीमराव, भीमराव एक काम कर दो। बोलिए क्या काम था? मेरा बेटा पुणे में काम करता है, वहां के मैनेजर से चिट्ठी लिखवाकर अक्सर वो भेजा करता है, परसों चिट्ठी भेजा था, अब तक कोई पढ़कर सुनाने वाला ही नहीं मिला। ऊंची बिरादरी के लोगों को पढ़ने के लिए कहेंगे तो वो हमें भगा देंगे और चिट्ठी भी फाड़कर फेंक देंगे। तुम पढ़ दो ना, अपनी बिरादरी के हो और पढ़े लिखे भी, इसीलिए मैं सबसे कहता हूँ कि तुम्हें खुद पढ़ना लिखना चाहिए। पढ़ोगे तो पढ़ो, ज्ञान मत दो भीमराव, आधी उम्र तो बीत गई, अब पढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा 10 चिट्ठी बेटे से जीवन में आएंगी, और उसके लिए अब हम कॉपी कलम उठाकर नौटंकी करें। दीजिए पढ़ता हूँ। इसमें लिखा है कि आई बाबा, 4 दिन पहले मैं गंभीर बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती हुआ, इलाज का खर्चा 300 रुपए है, अगर 2 दिन के अंदर मैं घर ना आ जाऊं तो समझ लीजिए कि मैं मर गया। दो दिन मतलब अब तक तो 4 दिन हो चुके हैं। अब मैं सच बताता हूं जो आपको और बाकी सबको समझना चाहिए। कौन सा सच? यही, इस चिट्ठी में लिखा है कि आपका बेटा अगले महीने आने वाला है, और अब वो शादी के लिए भी तैयार है, और आप उसके लिए लड़की ढूंढ सकते हैं।
झूठ क्यों बोला? इसीलिए ताकि सच में अगर कभी ऐसी चिट्ठी आए और उसमें लिखा हो कि आपके कोशिशों से ही आपका बेटा बच सकता है, तो चिट्ठी में क्या लिखा है ये आपको 3 दिन बाद पता चले तो। और ऐसी चिट्ठी जैसे मैंने अभी आपको झूठ बताया, वो सच होकर जीवन में कभी भी आ सकती है। इसलिए सोच समझ कर फैसला लीजिए कि आप पढ़ना चाहेंगे या नहीं।